सवी और उसकी ताई गए दुर्वा के एंगेजमेंट पर। ईशान ने उन लोग को इनवाइट किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में कुछ बताया था कि रिवा की रीएंट्री होने वाली है। हालांकि अभी नहीं हुई है, प्रोमो में ऐसा ही दिखा रहा है कि रिवा की रीएंट्री होगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि रिवा का थोड़ा सा दिखाया है, रिवा ईशान के लिए व्रत रखा है पर उसके साथ नहीं है। तो सोच रही है, काश मैं ईशान के साथ होती तो व्रत मैं आपके साथ खोलती। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सभी को शक हो गया है कि दुर्वा की शादी किसी और से नहीं बल्कि समृद्ध से हो रही है। हालांकि उसकी शादी सभी से एक बार वो फिक्स हुई थी, पर वो सभी उसकी हरकत जान गई थी, शादी तोड़ दिया था, तो मंडप से भाग गई थी। तो यहाँ पर सभी वापस आती है, उसको थप्पड़ मारती है। तो यहाँ पर सब उसको घर वाले चिल्लाते हैं, ईशान के घर वाले। तो ईशान तब तक हाथ रोक लेता है अपनी अक्का साहब का, क्योंकि अक्का साहब सभी को थप्पड़ मारने जाती है। तो ईशान हाथ पकड़ लेता है उनका। यहाँ पर अक्का साहब पूछती है कि तू इस लड़की के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया, आखिर क्या रिश्ता है इससे तेरा? ईशान बोलता है कि मैं सभी पर एक बार भरोसा करके देखता हूँ, क्या पता सभी सच बोल रही हो और क्या पता ये लड़का ही झूठ बोल रहा हो। तो इसे अगले प्रोमो में दिखाया है कि सभी समृद्ध की सच्चाई लाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर उसका चाचा जो है वो धक्का मार के सभी को बाहर निकाल देते हैं और ईशान आके संभालते हैं उसे और बोलते हैं कि एक आखिरी उम्मीद तुम मेरी हो, अगर जो तुमने सच नहीं लाया समृद्ध का तो मेरे घर वाले की बेइज्जती होगी, और अगर जो तुमने सच साबित कर दिया तो मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। वेल दोस्तों, कितने एक्साइटेड हो ये एपिसोड देखने के लिए वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।